हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एस्पायर। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में खिलाफत मोमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहें। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था और ये आंदोलन 1922 तक चला था, तो प्लीज़ डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ था वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इंडियन मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया लॉन्च अ पॉलिटिकल कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज टूवर्ड टर्की एंड द प्लान डिसमेंबरमेंट ऑफ द ओटमन एम्पायर बाय अलाइड फोर्सेज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। हमें थोड़ी थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी। ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जो अलाइड फोर्सेस थे उनके द्वारा ओटमन एम्पायर को बाहर निकालने का प्लान एंड जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी टर्की की ओर उन सबके खिलाफ भारतीय मुस्लिम्स ने जो है एक पॉलिटिकल अभियान लॉन्च किया ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट ब्रिटिश। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे जो है ब्रिटिश के खिलाफ टर्की जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ संगठन बनाया। द होल मूवमेंट बेस्ड ऑन द मुस्लिम बिलीफ दैट द खलीफ द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम ओवर ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो पूरा मूवमेंट था वो किसके ऊपर बेस्ड था, क्या था इसमें, इसमें क्या था कि जो मुस्लिम्स का विश्वास था कि जो सुल्तान है टर्की का खलीफ वो जो है वो पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड था, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं मुस्लिम्स इन इंडिया लॉन्च्ड अ खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खलीफा पोजीशंस। जो मुस्लिम्स थे भारत में उन्होंने खलीफा पोजीशन की वापसी के लिए जो है भारत में खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया। टर्की के जो खलीफा थे उनके पद को दोबारा से स्थापित करने में जो है मुस्लिम्स ने उनका मुस्लिम्स को जो है उनका समर्थन देना था, ठीक है। इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया। फिर हम पढ़ते हैं इनकी जो खिलाफत आंदोलन के जो लीडर्स थे वो कौन थे। तो अली ब्रदर्स थे शौकत अली मोहम्मद अली, स्टार्टेड दिस मूवमेंट अलॉन्ग विद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हकीम अजमल खान हजरत मोहनी एम ए अंसारी सैफुद्दीन किचलू एंड अदर्स, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो अली ब्रदर्स थे शौकत अली मोहम्मद अली इन्होंने जो इस मूवमेंट को स्टार्ट किया इन सबके साथ, ठीक है। और सी आर दास जो थे उन्होंने इनिशियली इस आंदोलन को जो है इस आंदोलन का विरोध किया। इट वॉज ज्वाइंटली लीड बाय द खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस, ठीक है। इसको जो है एक साथ जो है खिलाफत लीडर एंड जो कांग्रेस ने इसको लीड किया। फिर हम पढ़ते हैं खिलाफत कमेटी फॉर्मड इन लखनऊ ऑन 17 अक्टूबर 1919, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ से यह है कि इसके लीडर्स कौन थे, है ना। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि खिलाफत कमेटी कब फॉर्म्ड हुई, कहाँ पे हुई, लखनऊ में हुई 17 अक्टूबर 1919 को ही। द होल कंट्री ऑब्जर्व द खिलाफत डे। फिर 23 नवंबर ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। 23 नवंबर को एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई हिंदू और मुस्लिम्स की दिल्ली में हुई, ठीक है, जिसकी चेयरमैनशिप किसने की, महात्मा गांधी जी ने की। कि 23 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम्स की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे हुई, दिल्ली में हुई, जिसकी चेयरमैनशिप किसने की, महात्मा गांधी जी ने की। महात्मा गांधी जी ने जो है खलीफा मूवमेंट का जो है समर्थन किया था, क्यों किया था, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाना चाहते थे और कंट्री की स्वतंत्रता अचीव करना चाहते थे। यही जो इनका मेन मकसद था कि महात्मा गांधी जी ने इसीलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। फिर 9 जून 1920 को क्या हुआ, खिलाफत कमेटी इलाहाबाद एक मीटिंग हुई खिलाफत कमेटी की, कहाँ पे हुई, इलाहाबाद में हुई, याद रखना है 9 जून 1920 को, जो अटेंड करी कांग्रेस प्लस खिलाफत लीडर्स ने। इन दिस मीटिंग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन टुवर्ड द गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर। इस मीटिंग में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत कमेटी ने एक्सेप्ट किया एंड
सजेस्ट किया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को जो है वो महात्मा गांधी जी लीड करें, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, बायकॉट ऑफ टाइटल्स कन्फर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, किस चीज़ का बहिष्कार किया, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइटल्स दिए जाते थे, एंड बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज आर्मी एंड पुलिस, दैट इज ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था याद करने का, 3-4 पॉइंट्स थे जो आपको याद करने हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसके लिए कब ये स्टार्ट हुआ था आंदोलन, लीडर कौन है, कब ये कमेटी बनी थी फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 नवंबर को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी चेयरमैनशिप किसने की थी, और 9 जून को जो है 1920 को फिर से ये खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में, उसमें जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो डिक्लेयर हुआ, एक्सेप्ट किया था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में, जो लॉन्च हुआ था 1920 में और जिसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।